Himalaya Quista Pro has superior protein whey. The healthy way to fitness. मुख्यमंत्री जी, आज राजस्थान इस विश्वविद्यालय की धरती पे पधारे हैं, तो मैं छात्र शक्ति की तरफ से कुछ उम्मीदें लेके आया हूं, जिसके अंदर मेरी पहली बात यह है कि ओबीसी आरक्षण की विसंगतियों को दूर किया जाए। प्रदेश के युवा लंबे टाइम से, लंबे समय से पीड़ित है, इसके लिए आपको इस ओर ध्यान देना चाहिए। विश्वविद्यालय के अंदर रिक्त पद है, चाहे कर्मचारियों के देख लो, चाहे प्रोफेसरों के देख लो, तो इनकी रिक्त पदों की भर्ती समय पे की जाएगी तो प्रदेश की इस छात्र शक्ति का भविष्य उज्जवल होगा, जो मैं मानता हूं, हमारा पूरा भरोसा है आपके ऊपर। एक राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर गांव, गरीब, ढाणी, गली, मोहल्ले, किसान और जवान के बच्चे यहां पढ़ने के लिए आते हैं। यहां हर साल 10% फीस में बढ़ोतरी की जाती है, जो कि छात्र शक्ति के साथ एक बड़ा अन्याय है। इसके अंदर आपको हमारे को राहत देनी चाहिए। और प्रदेश की ये राजधानी जयपुर के अंदर कोचिंग संस्थानों के अंदर मनमानी से फीस बढ़ाई जाती है, उसके ऊपर कोई नियम लागू करना चाहिए, जिससे संपूर्ण प्रदेश और देश की छात्र शक्ति को अच्छी शिक्षा मिल सके और कोई भी पिछड़ेपन का अपने आप को महसूस नहीं करे। हमारे राजस्थान विश्वविद्यालय की छात्र और छात्राएं खेल जगत में भी अपना परचम ले ला रहे हैं, गोल्ड मेडल ला रहे हैं। उसके लिए मेरा आपसे निवेदन है कि आधुनिक सुविधाओं वे नवीन संसाधनों से युक्त नए स्टेडियम की आपको घोषणा करनी चाहिए। ये सब मैं उम्मीद इसलिए आपसे लगाए हूं क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी भी अपनी उम्र में, इसी उम्र में छात्र राजनीति से ही उभरे हुए हैं, तो अपने को पूर्णतया भरोसा भी है कि अपनी सारी मांगे माननीय मुख्यमंत्री जी मानेंगे। मैं इसी के साथ आप सभी का यहां पधारे उसके लिए विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से धन्यवाद करना चाहूंगा। और मेरे सामने पूरे प्रदेश की मीडिया पधारी है, ये हर जगह हमारी आवाज को मजबूत करती है, इसके लिए मैं इनका भी बारंबार धन्यवाद करूंगा। और प्रदेश की पुलिस जो रात और दिन कार्य करके अपन लोगों के लिए कार्य करती है, मैं बड़े भाई माननीय डीसीपी राजीव पचार साहब का भी धन्यवाद करता हूं कि आपने रात दिन यहां मेहनत करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आपने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। यह संपूर्ण छात्र शक्ति आपका बारंबार धन्यवाद करती है। इसी के साथ आप संपूर्ण इस ताकतवर छात्र शक्ति का मैं स्वागत भी करता हूं, उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूं छात्र संघ अध्यक्ष के रूप में। आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और बारंबार स्वागत।